तो इसको दिन रात चार्जिंग करना पड़ता है। मेरे साथ तो ये मिसाइल्स हैं, आईफोन तो मैंने ले लिया और व्लॉग भी इतने ज़्यादा चल नहीं रहे, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं अपने हौसले की छत पे आया हूँ काफ़ी दिनों के बाद, और मौसम इतना सुहाना हुआ है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता बल्कि दिखा सकता हूँ, तो आप लोगों को दिखाऊँगा। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैं फैसलाबाद में इस वक्त खड़ा हूँ हॉस्टल की छत पे, तो बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है। आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने अपने आप को कमरे से आज़ाद किया है, और कमरे से आज़ाद करके मैंने कहा ख़ुद को, फैसलाबाद को एक्सप्लोर करो, बाहर की चीज़ों को भी देखो। तो मैं हॉस्टल की छत पे आ गया, बाहर कहीं जाने का दिल नहीं था। तो आप लोगों को सीन दिखाता हूँ, सीन बड़ा मज़े का बना हुआ, और बादल भी आए हुए हैं थोड़े थोड़े, लेकिन इस वक्त रात हो चुकी है और काफ़ी जो फैमिलीज़ हैं वो भी ऊपर छतों पे आई हुई हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे पीछे फैसलाबाद की सबसे बड़ी मस्जिद आप लोग देख सकते हैं, मस्जिद है मेरे पीछे, और वहाँ पे बाकी सारी मस्जिद जो बड़ी बड़ी हैं उनके मीनार में देख रहे हैं, और मौसम बहुत सुहाना है, हवा चली हुई है। तो मैंने कहा छोटा सा व्लॉग हो जाना चाहिए, आप लोगों से मुलाकात हो जानी चाहिए। क्या आप भी व्लॉगिंग वगैरह करते हैं और आपने आईफोन लिया हुआ है इसके लिए? तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा, मैंने आईफोन XS लिया हुआ है, इसकी 64 GB स्पेस है, लेकिन इसमें बहुत सारे मसले मसाले हैं। रोज़ाना इसकी स्पेस फुल हुई होती है, कभी ये होता है कभी वो होता है, और इसका प्रॉब्लम ये है कि ये डेटा ट्रांसफ़र भी नहीं करता। मतलब अगर आईफोन यूज़र हैं आप, तो आप अपना डेटा नॉर्मल जो लैपटॉप है उसमें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो बहुत सारे इसके इश्यूज़ आते हैं। अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो आपको चाहिए कि आप 13 Pro Max या 14 Pro Max नीचे का मॉडल ना लें, इससे आप अच्छी व्लॉगिंग कर सकते हैं। अगर आप 14 Pro Max लेते हैं उसमें सिनेमैटिक मोड ये वो, इसमें कुछ भी नहीं, ये किस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन मैंने ये जब लिया था 53 का non PTA, अगर आप भी आईफोन की तरफ जा रहे हैं और आपको व्लॉगिंग का शौक़ है, तो खुदा रहा कोई अच्छा सा मोबाइल लें, आईफोन 14 Pro Max लें, इससे नीचे का मॉडल ना लें। क्योंकि व्लॉगिंग अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी स्पेस सिर्फ 64 GB है, तो हम एक दो व्लॉग बनाएं तो इसकी स्पेस वैसे ही फुल हो जाती है, और बाकी जो ऐप वगैरह यूज़ करने हैं तो आप लोगों को पता ही है। उसके बाद इसकी सिर्फ यही स्पेस होती है 64 GB, इसमें सारा कुछ आप लोगों ने मैनेज करना होता है। और अगर आप अच्छा कोई लेते हैं, मतलब 14 Pro Max लेते हैं जिसकी 256 GB स्पेस हो, तो फिर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रह सकता है, नहीं तो इसके साथ तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं, तो कोई और काम नहीं होता, सुबह शाम दोपहर हर वक्त इसे चार्ज पे लगाना पड़ता है, चार्ज। इतना बंदा खुद नहीं खाता जितना इसे खिलाता है। और इसके जो इक्विपमेंट्स हैं बाकी, मतलब हैंड फ्रीज वगैरह आपने अगर लेनी है, या कोई जैक लेना है जिसके साथ आप माइक अटैच करना चाहते हैं, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा। तो देख लीजिएगा, इसको दिन रात चार्जिंग करना पड़ता है। मेरे साथ तो ये मिसाइल्स हैं, आईफोन तो मैंने ले लिया और व्लॉग भी इतने ज़्यादा चल नहीं रहे, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। ये फैसलाबाद की सबसे बड़ी मस्जिद है जो आप लोग, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।